वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसका नाम मेजिस्को। जैसा कि है ना, इस शेयर ने जो लास्ट टाइम डिविडेंड दिया था, आप हैरान होगा डिविडेंड कितना दिया है इसने। यहां पर है डिविडेंड जो इसने दिया है, 974 रुपये पर इक्विटी शेयर। अगर आपके पास इसका एक शेयर है उसके बदले इसने 974 रुपये आपको दिए हैं, ठीक है। अब 974 रुपये जब इसने दिए थे ना, तो उसके बाद इसके प्राइस में, इसका प्राइस जो करीब 975 से लेके करीब 10 रुपये पे आ गया था, इसका प्राइस 12 रुपये पे आ गया था प्राइस। तो उसके बाद लगातार इसमें एक अच्छे मूव आ रहे हैं। अगर कोई हमारे नए बायर है वो इसमें बाइंग कर सकते हैं, पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जो स्टॉप लॉस है, देखो स्टॉप लॉस है ना, जो भी आप जिस भी रेट पे आप बाई करोगे उसे 5% आपने कैलकुलेटर से अपना अंदाजा लगाना, उसे 5% कम रखना है आपने अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि इसमें रोज 3 या 4% का मूव आ ही रहा है। तो आप 5% अगर इतना रिस्क ले सकते हैं तभी इसमें बाई करो। ओवरऑल मुझे लगता है और आगे भी जा सकता है, क्योंकि लगातार जा ही रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अब आते हैं यहाँ पर टिकट ऐप पे। टिकट ऐप पे सिर्फ 2 एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद है, पर इसमें बाय के लिए मना कर रहे हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल पे। जैसे ही फाइनेंशियल पे हम आए हैं, लगातार इस कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है, पर नेट इनकम देखो, नेट इनकम भी देखो लगातार बढ़ रही है। काफ़ी अच्छा है, कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तभी कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी। अब इसके बाद आते हैं इसके ऊपर। देखो यहाँ पर जब हम यहाँ पर आए मूविंग एवरेज पे, तो इसमें लगातार देखो ये जैसे ही नीचे लगातार इसमें हाई साइड मूव आया जा रहा है, कि बायर बहुत एग्रेसिव है। तो आप भी इसमें देखो पोजीशन बना सकते हो, कोई बड़ा अमाउंट मत इन्वेस्ट करना, छोटा करो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इसके अकॉर्डिंग नीचे आते हैं। नीचे हमारे पास जो यहाँ पर आ रहा है जो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। कंपनी ने अपना जो कर्जा है, जो उस पर कंपनी कर्जा था डेप्ट, वो रिड्यूस कर दिया है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, मतलब मैक्सिमम उसने अपना सारा कर्जा उतार दिया। स्टॉक की जो ट्रेडिंग एट जो प्राइस है वो करीब बुक वैल्यू 0.11 है, ठीक है। और स्टॉक प्रोवाइडिंग ये बहुत अच्छा डिविडेंड देता है, ये इसमें डिविडेंड देता है, और डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है इसकी। और कंपनी देखो अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, लास्ट 5 ईयर में, ठीक है। काफ़ी डिविडेंड बहुत अच्छा पेड कर रही है। अब देखो कुछ इसके कमियां भी है कुछ कंपनियों में, ठीक है। जैसे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग लगातार कम करी है, वो आपको यहाँ भी दिखेगा, ठीक है। आप देखो ना होल्डिंग पे, देखो प्रमोटर की जो होल्डिंग है तो लगातार कम हो ही जा रही है, और म्यूचुअल फंड भी अपनी होल्डिंग कम कर रहा है, ठीक है। बाकी ओवरऑल किसी ने बाइंग करनी है तो देखो थोड़ा पैसा करना, ठीक है। मुझे लगता है ये अपर टाइम है, देखो जिस तरह जा रहा है तो ये इसके प्राइस से नहीं, पर 200 रुपये या 300 रुपये तक का पहुंच ही जाएगा, जिस तरह ये लगातार देखो ऐसे मूव बनाया जा रहा है। ये देखो कब प्राइस है, ये 23 दिसंबर को लगातार ये आगे बढ़े जा रहा है। तो आप भी अपने एंड पे स्टडी करो, ठीक है। लॉन्ग ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट मत करना इसके ऊपर।